अगर आप विंडोज 11 पर माइग्रेट कर गए हैं और आपको लगता है कि आपका विंडोज 11 बहुत स्लो रन कर रहा है, प्रोग्राम और एप्लीकेशन खुलते हुए बहुत ज़्यादा हैंग हो रहे हैं और कोई भी आप गेम प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सेटिंग्स के जरिए जिसके जरिए आप अपने विंडोज 11 सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को टर्न ऑफ कर देते हैं। उसके लिए आप जो विंडोज़ आइकन पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे, आप चाहे तो विंडो आइकन और प्लस आई की दबाएंगे तब भी आपका सेटिंग्स खुल जाएगा और आप यहां से पर्सनलाइजेशन और कलर्स में जाकर आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को टर्न ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ 11 जो आपको यूआई और एनिमेशन प्रोवाइड करता है उसके ज़रिए आपका सिस्टम रिसोर्स यूज़ होता है और उसके ज़रिए स्लो हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग टाइप करेंगे और उसके बाद हम एडवांस में परफॉर्मेंस टैब के अंदर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस चूज़ करेंगे और उसके बाद में ये आपके जो सेटिंग्स है ये अनचेक हो जाएंगी, मगर हमको सिर्फ दो चेक करने हैं। सो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन एंड स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे फॉन्ट्स ब्लरी हो। और उसके बाद हम डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम्स कर देंगे, क्योंकि जब हमारा सिस्टम बूट्स होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं स्टार्ट होते हैं जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, तो उन एप्लीकेशन को लिमिट करने के लिए उन एप्लीकेशन को स्टॉप करने के लिए हम जो है सेटिंग्स में जाएंगे ऐप्स एंड स्टार्टअप्स। सो जिस ऐप्स को हमें डिसेबल करना है हम यहाँ से उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं और जिसके ज़रिए हमारा सिस्टम जल्दी बूट होगा और वो फास्ट रन करेगा। सो इस तरह हम उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड जो प्रोग्राम एंड प्रोसेस हैं उसको हम नहीं चाहते कि ये रन करें, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोग्राम रन करेंगे बैकग्राउंड में उतना ज़्यादा हमारा सिस्टम रिसोर्स यूज़ होगा और वो सिस्टम स्लो कर देगा। सो इसलिए हम ऐप्स एंड फीचर्स एंड एप्लीकेशन देन 3 डॉट एंड वी हैव टू चूज़ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड वी हैव टू सेट इट टू नेवर, और यही प्रोसेस हम ईच एंड एवरी एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं ताकि वो जो बैकग्राउंड में रन ना हो। उसके बाद हम जो टेम्परेरी फाइल्स डिलीट कर सकते हैं, कि टेम्परेरी फाइल्स हमारे सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड डालती हैं और उसके ज़रिए हम सिस्टम स्लो हो जाता है। सो हम सिस्टम स्टोरेज एंड टेम्परेरी फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेरी फाइल्स हैं, उसमें से हम चूज़ करके उसको हम डिलीट कर देंगे। सो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं और उसके बाद आप रिमूव फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए और ये आपको पॉपअप करेगा परमानेंट डिलीट करने के लिए। उसके बाद आपको इसको कंफर्म कर दीजिए और आपकी वो फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और आपका सिस्टम थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाएगा। उसके बाद स्टोरेज सेंस, यही टास्क आप ऑटोमेट करने के लिए स्टोरेज सेंस दिया गया है विंडोज 11 में और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो सेटिंग्स में जाएंगे, सिस्टम्स एंड स्टोरेज सेंस, और यहाँ पे ऑटोमेटिक यूज़र कंटेंट क्लीनअप दिया है, इसको टर्न ऑन कर दीजिए और नीचे जो आपका स्केड्यूल करना चाह रहे हैं क्लीनअप स्केड्यूल करना चाह रहे हैं रन स्टोरेज सेंस एवरी मंथ, सो मैं इसको एवरी मंथ कर देता हूँ, और रिसाइकल बिन में जो आपकी जो फाइल्स हैं उसको आप ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, मैंने सेट कर दिया है, और ऐसे ही डाउनलोड फोल्डर के अंदर 60 दिन के अंदर डिलीट कर सकते हैं, और अभी आप रन करना चाह रहे हैं स्टोरेज सेंस तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो बेकार के सॉफ्टवेयर वो आपके सिस्टम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाएंगे ऐप्स एंड देन ऐप्स एंड फीचर्स, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी लिस्ट है जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और जिसको भी आप अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं उस पर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और अनइंस्टॉल कीजिए और दोबारा अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और यहां से वो एप्लीकेशन आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा और आपका वो जो रिसोर्स यूज़ कर रहा था वो फ्री हो जाएगा और जिसके ज़रिए आपका सिस्टम परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। सो इस तरह आप जो है अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिस्क, सो आप डीफ्रैगमेंट और ऑप्टिमाइज डिस्क के ज़रिए आप जो अपनी डिस्क को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको आप बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं इस फीचर्स को। सो मैं SSD इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए डीफ्रैगमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही करना चाहिए, और चूँकि मेरी तीनों ड्राइव के स्टेटस ओके है तो मुझे ऑप्टिमाइज भी नहीं करना है और ना ही मैं करता हूँ। और अगर आपका HDD होता, हार्ड डिस्क ड्राइव होता, तो आप उसको डिफ्रैगमेंट भी करते और आपका उसका डिस्क का स्टेटस ओके नहीं होता तो आप उसको ऑप्टिमाइज भी करते। तो इस तरह आप जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी डिस्क को और इससे आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इसके बाद स्टार्टेबल ऐप्स टर्न ऑफ, कि जब आप रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम को तो वो सबसे पहले वो एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता है, तो ये आप यहाँ पे जाएंगे ऑटोमेटिकली सेव माई
रिस्टार्टेबल एप्स एंड रिस्टार्ट देम व्हेन आई साइन बैक इन। सो इसको आप टर्न ऑफ कर दीजिए, तो इसके जरिए वो बिहेवियर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। डिसेबल नोटिफिकेशन एंड टिप्स। सो नोटिफिकेशन आते हैं तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है और वो सिस्टम रिसोर्स लेता है। सो उसको डिसेबल करने के लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन जिस एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन को हमें डिसेबल करना है हम उसके करस्पॉन्डिंग उसको टर्न ऑफ कर देंगे। और नीचे यहाँ पे ऑफर सजेशन ऑन हाउ आई कैन सेटअप My device and get tips and suggestion when I use Windows, इसको दोनों को आप अनचेक कर देंगे ताकि आपकी Windows की Microsoft की तरफ से कोई suggestion या कोई और चीज़ आपको ना मिले। और उसके बाद डिसेबल वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी। अगर आप गेमर हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस गेम खेलूँ और बहुत ज़्यादा मुझे परफॉर्मेंस मिले तो आप इस चीज़ को टर्न ऑफ कर दीजिए। सेटिंग्स को आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, मगर इसके ज़रिए आपकी सिक्योरिटी हैम्पर होगी। तो अगर आप चूंकि अगर ये टर्न ऑन है तो आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, अगर टर्न ऑफ है तो सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी मगर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद आप डिसेबल गेम मोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज 11 पे गेम नहीं खेल रहे हैं तो आप गेम मोड को डिसेबल कर सकते हैं या टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो आप सेटिंग्स में जाएंगे गेमिंग एंड गेम मोड, इसको आप डिसेबल कर दीजिए तो आपका जो है सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस। और थर्ड पार्टी एंटीवायरस अनइंस्टॉल कर दीजिए क्योंकि विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ डिफेंडर होता है जो इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और ये बहुत ही ऑप्टिमाइज प्रोग्राम होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड कराता है विंडोज़ के लिए। सो इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरफ से इसमें दिया गया है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर, तो हमें अलग से कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हमारा सिस्टम प्रोग्राम रिलोड नहीं हो पा रहा है अच्छे से या विंडोज़ हैंग कर रही है तो हम उसको एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज फिक्स्ड बाय दिस रिस्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी कैन रिस्टार्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बाय क्लिकिंग ऑन दिस विंडोज़ आइकन व्हाइल वी राइट क्लिक करें या लेफ्ट क्लिक करें, दोनों से ये आपको ऑप्शन देगा रिस्टार्ट करने के लिए। और अगर तब भी फिक्स नहीं हो सकता, हो सकता है आपका कुछ पैच आपके पास नहीं है या आपके विंडोज़ अपडेट नहीं है, सो आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स में जाना है और विंडोज़ अपडेट कर लेना है और उसके ज़रिए आपकी जो है विंडोज़ अपडेट हो जाएगी और बहुत सारे आपके इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच सेटिंग डिड यू लाइक मोस्ट एंड यू कैन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी फ्यूचर नोटिफिकेशन हियर ऑन टेक पिंच। गुड बाय।